तो हम सबका जन्म कुछ विशेष उद्देश्यों से हुआ है और उन उद्देश्यों को केवल निजी स्वार्थों के लिए भूलना नहीं चाहिए। मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाने की नीयत से न जीवन जीता हूं और न ही मुझे किसी को भी नुकसान पहुंचाना है। मैंने पहले भी कहा, वो मेरे गुरुजी थे, गुरुजी हैं और गुरुजी ही रहेंगे, परंतु मुझे लगता है कि वह किसी के दबाव में हैं और इन्हीं कारणों से वो मठ की संपदा का नुकसान पहुंचा रहे हैं। चूँकि ये संपदा सैकड़ों वर्ष पुरानी है और पुरानी होने के नाते हम इसका संवर्धन तो कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, इसमें वृद्धि कर सकते हैं, परंतु इसे बेच नहीं सकते। बस इन्हीं बातों का मतभेद था जो आज इस पटल तक आ चुका है। मुझ पे बेबुनियाद आरोप लगाए गए और आरोपों को लगाते ही कुछ घंटों में मुझ पर कार्रवाई हो गई, सजा दे दी गई। आज मेरी स्थिति आप सबके समकक्ष है। मुझे कोई महात्मा अपने पास बिठाना नहीं चाहता। मैं किसी समाज में किसी विशेष कार्यक्रम में जा नहीं सकता। मेरे पास अपने रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से अपने शिष्यों से जो धनोपार्जन किया था उससे मैंने आश्रम बनाया। उस आश्रम को बनने नहीं दिया गया, उसको सील कर दिया गया। और आज मैंने ये आवाज़ उठाई है कि हमसे पूर्व महंत आशीष गिरिजी महाराज, महंत दिगंबर गंगापुरी जी महाराज, दो युवा साधु आत्महत्या जैसी संदिग्ध हालात में उनकी मृत्यु हो गई, उनकी जांच हो, अखाड़ों की संपत्तियां बचे, प्राचीन स्थानों का संवर्धन हो। इस निमित्त जो ये सारे के सारे सबूतों के साथ वस्तुएं सामने आ रही है, इन्हें मैं नहीं कर रहा हूं, इन्हें समाज के लोग कर रहे हैं, ये हनुमान जी स्वयं कर रहे हैं। इसलिए मैं एक बार पुनः आप सबसे यही हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि संपत्ति का लालच अगर मेरी हत्या भी करा दे तो इसमें कोई दुराव नहीं होगा, लेकिन मैं शुद्ध रूप से, निष्पक्ष रूप से सनातन का प्रेमी हूँ। मैंने शंकराचार्यों को, शंकराचार्य भगवानों को, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, मुझे अपनी प्रदेश सरकार पर पूरा विश्वास है और पूरे आस्था है। मैंने भाजपा के लिए बहुत अद्भुत काम किए हैं। भाजपा के तमाम राजनेता जो मेरे सन्निकट रहे हैं वो जानते हैं कि मेरी जो सोच है वो कैसी है। मुझे उस पार्टी पर, उस पार्टी की सरकार पर पूरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी और जांच के माध्यम से जो यथार्थ है वो सत्य साबित होगा। आनंद गिरी जी जो आरोप लगा रहे हैं आप पे कि संपत्ति बेचने के विवाद के चलते उनको निकाला गया, तो इस पे आपका क्या कहना है? सारा आरोप निराधार है, मनगढ़ंत है। जब उन्होंने महामहिम को, माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, तो अब वो जांच का जब समय आएगा, जो अधिकारी यहाँ आएगा, मैं पूरा सहयोग करूंगा। अपने आप दूध दूध पानी हो जाएगा, उसमें हल्ला करने की जरूरत नहीं है। और जो अपनी जान का खतरा बता रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नौटंकी है केवल गंदा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यहाँ उसे हनुमान मंदिर के नाते और मेरे से सोने नाते एक सुरक्षा उसको दी गई थी, जो जब यहाँ से हटा दिया गया वो रहता है उत्तराखंड आता है। अब तो उत्तर प्रदेश की कोई जिम्मेदारी है नहीं, उत्तराखंड सरकार है। तो उत्तराखंड सरकार अब ये किसी बहुत बड़े पद पे भी नहीं है, न इन्हें कोई जान से मार सकता है, ठीक है ना जी। और मेरे लिए तो आनंद गिरी उसी समय मर गए जिस दिन गद्दारी के विश्वासघात किया, और उसे दोबारा क्यों मारेंगे हम? मेरे लिए तो उसी समय मर गए आनंद गिरी। तो आपको क्या लगता है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वजह होगी? नौटंकीबाजी है केवल जनता सुरक्षा के नाम पे, जनता देने के लिए है बस, है नहीं जी। और ये सब आरोप निराधार और बेबुनियाद है, इतने मैं कहूंगा। बाकी जांच के लिए उन्होंने लिखा है तो जांच होगी, जांच में कौन डरता है? जांच आएगी, दूध दूध पानी पानी हो जाएगा, फिर हल्ला करने का मतलब ये है मामला। और महाराज जी, वो जो दो संतों की बात कर रहे हैं, एक आशीष गिरी जी, एक और संत का नाम बता रहे हैं। आशीष गिरी की आत्महत्या 2019 के आसपास हुई है और बाकायदे पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लगाई है, पूरी जांच की है, जांच में आत्महत्या पाया गया है। अब उसमें हमारा क्या दोष, अखाड़े क्या दोष है?